छतरपुर के बड़ाम लहरा में विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि मणिपुर की घटना पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं विपक्षी गठबंधन भाग ले रहा है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं बात करने का, बाकी करनी तो उनको राजनीति ही है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने किसानों से चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन वो बताएं कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब क्यों उन्होंने जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास संबल योजना की राशि केंद्र सरकार को वापस कर दी थी। वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सदन के भीतर पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष तैयार नहीं है, इसलिए उसने अविश्वास प्रस्ताव का बहाना खोजा। तारीख आने वाली है, जो चर्चा होनी है वो हमारा सीमावर्ती राज्य है और इसलिए भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों कभी भी चर्चा के लिए, सब हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष भाग रहा है, हम चाहते हैं कि वो मंच पर आए तो जवाब हो जाएगा। मैं भी कुछ मणिपुर के बारे में भाषण दे रहे हैं, लेकिन आज बड़ा मेला के कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि 100% उपस्थिति के साथ आज जो उमंग और उत्साह उन्होंने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान का बेहतर से बेहतर संदेश है। मैं उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये कांग्रेस के लोगों से मेरा जरूर प्रश्न है कि जरा कमलनाथ ये बताएं कि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पैसे ना देकर योजना को वापस करने के पीछे वो किसको जिम्मेदार मानते हैं। और दूसरा, संबल जैसी गरीबों की योजना तो उसको रोकने का जो अपराध उन्होंने किया है उसका जवाब कमलनाथ और कांग्रेस को देना पड़ेगा, और देने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं है तो उन्हें कहीं ना कहीं तो ये बात स्पष्ट करनी होगी। मैं आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।